ठीक है जी, आप हमारे सामने सुजुकी लेट्स फोर, तो आप क्या बता रहे थे? EFI है। EFI है। तो थोड़ा सा जिन्हें नहीं पता, बल्कि आपको पता ही होगा, EFI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो जिन बाइक्स में या गाड़ियों में यह सिस्टम होता है वो फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ये वीडियो खासकर बनने जा रही बहनों बेटियों के लिए, जो के अपने काम काज के सिलसिले में खुद इनसारी चाहती हैं, खुद मुख्तारी चाहती हैं और दुनिया में कुछ करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि ट्रांसपोर्ट रुकावट बने, उनके रास्ते में चिंगची वगैरह पे बैठना पड़े, अपनी सवारी हो, खुद मुख्तारी हो। तो उनके लिए लेके आए हम स्कूटी बाइक्स का रिव्यू, ताकि हमारी बहनें बेटियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जा सकें और अपने सवारी पे जा सकें। तो हमारे सामने ये 49cc दो स्कूटी बाइक्स, एक इनमें होंडा की है, एक इनमें सुजुकी वालों की है। तो जानते हैं कि कब की इंपोर्ट है, क्या कंडीशन है बाइक्स की, और कोशिश करेंगे कि इसकी जो असल कंडीशन है उसका भी आइडिया हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह बगा हसन है, अल्लाह का शुक्र। तो मैं देख रहा हूँ जी आपके पास शहबाज भाई, माशाल्लाह ये दो स्कूटीज़ हैं, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, किस कंपनी की है ये? सर जी होंडा डायो की है, बड़ी की है, 2019 की इम्पोर्ट है ये। जी जी, 49cc है, होंडा वालों की है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे बताएं इसके बारे में पहले तो, कि इसमें कोई लगेज वगैरह, कोई सामान वगैरह रखने की जगह कितनी है, सेल्फ स्टार्ट होती है, इसका सेल्फ चेक करवाएं। सर इसको ऑन करना हो तो सर इसको ऐसे ऑन कर, सर इसको ऑन करना हो तो इसको पहले क्लच पकड़ना है, एक मतलब ब्रेक है इसकी, ये चोर लोग है, इसको दबाना है तो स्टार्ट हो जानी है, ये गाड़ी स्टार्ट है, ऑटो है, सिर्फ ब्रेक है, सिर्फ ब्रेक पर चलनी है गाड़ी में, ये ब्रेक वो चल रही है। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्ट है, उसके अलावा इसका हॉर्न है, ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर है इसके, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये हेडलाइट चल रही है इसकी। ठीक है, तो होंडा डायो वालों की स्कूटी बाइक है, कब की इम्पोर्ट है हमजा ये? सर ये 2019 की इम्पोर्ट है। 2019 की इम्पोर्ट है, टायर वगैरह भी आपके सामने हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, अलॉय रिम के साथ हैं, अच्छी कंडीशन में है ये स्कूटी बाइक। ये इसका कोई सामान रखना हो, किसी बहन ने कोई हेलमेट रखना हो, कोई चीज़ रखनी हो तो उसको रख सकता है। बिल्कुल ठीक, तो ये इसका चोर स्विच है, तो ये भी ये सीट खुलेगी तो फिर ये चोर लोग का अल्लाह ना करे कभी गाड़ी चोरी करनी, कुछ करता है तो गाड़ी स्टैंड से नहीं उतर सकती, यहाँ पे करी रहेगी। अच्छा, ये इसको लीवर को ऐसे घुमा दिया तो स्टैंड से ही नहीं उतरेगी? उतरेगी नहीं, ये लोकल आ गई, ये पुश होगी, थोड़ी को सीट को बंद कर दे बस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ठीक है, तो कितने में मिलने जा रही है ये? सर इसकी डिमांड है 6,000 रुपया, एक 3,000 रुपये फाइनल मिल जाएगी। 1,03,000 में जो फाइनल मिलने जा रही है आपको होंडा डायो वालों की 49cc स्कूटी बाइक। और ये दोनों 49cc स्कूटी बाइक्स हैं, एक तो इसलिए आपको इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट ये आपको जो लेटर बना के देंगे शॉप वाले वही आपकी ओनरशिप होगी। जी सर ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये सुजुकी लेट्स फोर। ठीक है जी, आप हमारे सामने सुजुकी लेट्स फोर, तो आप क्या बता रहे थे? EFI है। EFI है। तो थोड़ा सा जिन्हें नहीं पता, बल्कि आपको पता ही होगा, EFI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो जिन बाइक्स में या गाड़ियों में यह सिस्टम होता है वो फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, पेट्रोल की होती है उसमें बचत। बाइक चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, स्कूटी बाइक ये भी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है, रैपिंग शैपिंग की हुई है। ये कब की इम्पोर्ट है जी? सर ये 2020 की इम्पोर्ट है। अच्छा। इसकी डिमांड 10,000 रुपये है, और 7,000 रुपये की फाइनल मिलेगी आपको। 1,07,000 की मिल जाएगी आपको। इसके भी आप सीट वगैरह भी देखें, मुझे लग रहा है कि इसकी लगेज कैपेसिटी यानी सामान रखने की जगह भी होगी ज़्यादा, ये काफ़ी डीप है। आप देख सकते हैं हेलमेट वगैरह, बुक्स, लैपटॉप ये वो इसमें रख सकते हैं। इसका फ्यूल है, यहाँ पे पेट्रोल डालता है ये, इसका कोई हेलमेट, कोई टिफिन बॉक्स कुछ भी रखना हो लेडीज़ ने वो रह सकती हैं स्कूल से। ठीक है, बाकी ये वही है, स्टार्ट करनी है इसको। ट्यूबलेस टायर है दोनों, टायर दोनों ब्रांड न्यू है, ट्यूबलेस टायर लगी हैं दोनों इसको, ट्यूबलेस टायर्स हैं, अलॉय रिम के साथ है स्कूटी बाइक। आपके सामने चारों तरफ से दिखा रहे हैं आपको स्कूटी बाइक, ताकि बेहतर से आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। फाइनल कीमत बता दें जी? सर इसकी 7,000 रुपये की फाइनल मिलेगी, और 2,000 रुपये की फाइनल मिलेगी। तो इसकी पेट्रोल एवरेज कितनी होगी? ये तो EFI के ख्याल से करती है कोई 85-90 करती है। अच्छा, हाँ जी, ये इतना कमाल पेट्रोल करती है, ज़बरदस्त। तो हम दिखा रहे थे आपको स्कूटी बाइक सर, एक मेरा मशवरा भी है कि अगर आपको 40-45 हज़ार की मिले स्कूटी बाइक तो वो ना खरीदिएगा,
क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके फिर पाकिस्तान में आती है, फिर इम्पोर्ट की जाती है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप खरीदें ज़रा अच्छी कंडीशन में स्कूटी बाइक देख के, ताकि वर्कशॉपों में आपकी ज़िंदगी फिर ख़राब ना हो। तो ये थे मौजूद हम अहमद ब्रदर्स पे, हमें रिव्यू करवा रहे मलक शहबाज। अपना मोबाइल नंबर बता दें। सर मेरा नंबर 03124246392, मलक शहबाज मेरा नेम है। थैंक यू सो मच। तो होंडा यामाहा या स्कूटी चलाएँ, सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराएँ, दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। कैमरामैन हमजा कयूम के साथ नसीम बुखारी, PTN पाक टुडे न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफिज़।